नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत है। कल के दिन में हमने यूएस मार्केट्स में एक पॉज देखा, एक रुकी हुई रैली देखी और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि हमने पिछले शुक्रवार को यूएस मार्केट्स में एक ज़बरदस्त सेशन देखा था और इसी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि जब बड़ी रैली होती है या बड़ा फॉल होता है तो उसके बाद का जो दिन होता है वहाँ पर हम कुछ साइडवेज एक्टिविटी देखते हैं। एशियन मार्केट्स में भी एक थीन एक्टिविटी के साथ ट्रेडिंग हो रहा है और सिंगापुर निफ्टी की अगर बात करें तो वो लगभग 25-30 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, जो एक नॉमिनल डाउनवर्ड एक्टिविटी है। लेकिन हम हमारे मार्केट्स की अगर बात करें और सोमवार के दिन जो हमने मार्केट में एक उलट फेर देखा वो काफ़ी गजब का था, एक कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था कि मार्केट इन सभी लेवल्स को यानी कि 18,100, 200, 270 के लेवल्स को क्रॉस करे और मार्केट ने इन सभी लेवल्स को क्रॉस किया है। 18,270 के लेवल्स को क्रॉस करना, दैट मीन्स मार्केट ने एक बड़ा सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब किया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। 18,270 ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बना था सिंस दिसंबर 2022। सो नेचुरली इन लेवल्स को क्रॉस करना मार्केट के लिए पॉजिटिव है और हम और भी अपवर्ड एक्टिविटी देख सकते हैं, जहाँ पे हम निफ्टी को एक बार 18,450 तक भी देख सकते हैं। स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप्स की होनी चाहिए। 18,200, 18,150 के करीब हम लॉन्ग की पोजीशंस बनाएंगे। 5 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज अगर आप देखें तो वो भी लगभग 18,200 के करीब आ चुके हैं, तो कोई भी करेक्शन अगर मिलता है या तो अगर कोई लोअर ओपनिंग होती है तो हमें लगता है कि 18,200 के करीब आप लॉन्ग पोजिशन बनाएँ। 18,100 जो कल के लोवेस्ट लेवल्स थे उसे स्टॉप लॉस कंसिडर करें और हायर लेवल्स पे जैसे मैंने बताया 18,300 और 18,450 के रेजिस्टेंस बन सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे एक वीकर सेशन था। आई मीन टू से बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो रिलेटिवली वीक है एज कम्पेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी ने अभी तक शुक्रवार के या गुरुवार या पिछले हफ्ते के हाइएस्ट लेवल्स को क्रॉस नहीं किया है, तो अभी तक बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। यस, हमने कल के दिन में एक अच्छा मोमेंटम देखा था, शायद हम और भी एक्टिविटी देख सकते हैं, लेकिन जब तक मार्केट यानी कि बैंक निफ्टी 43,750 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता तब तक हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में एक अपवर्ड साइड पे प्रेशर रहेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ने 43,750 के लेवल्स को भी अगर क्रॉस कर लिया तो फिर हम 44,000 को क्रॉस करते हुए एक बार 44,400 के भी लेवल्स देख सकते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन बैंक निफ्टी में बना है और सपोर्ट्स में मैंने जैसे बताया कि 43,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और कोई करेक्शन आता है तो 42,800-700 के करीब बैंक निफ्टी गिर सकता है। साथ ही साथ अगर हम बैंक निफ्टी के अलावा अगर कुछ और सेक्टर्स के ऊपर नज़र करते हैं तो हमें लगता है कि मिड कैप आईटी कंपनीज के ऊपर फोकस करें और पावर यूटिलिटीज़ के ऊपर फोकस करें, जहाँ पर हमें लगता है कि मोमेंटम बन सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सबसे मैं आज के लिए विदा लेता हूँ और सभी के लिए आज का दिन शुभ रहे। धन्यवाद।